जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। देखो दोस्तों, कई लोग पूछ रहे हैं कि अब फिजिकल हमारा कब तक होगा, हमारा टाइमिंग वगैरह नहीं आता है, हमें कैसे दौड़ना चाहिए। अभी इतने दिनों से दौड़ रहा हूँ, थक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे और फिजिकल के ऊपर बात कर लेंगे कब तक आपका फिजिकल हो सकता है। ITBP आपका फिजिकल करवा रही है, आपको ये इस बार पता है, मतलब ITBP जो है बोर्ड गठित किया गया और आपके मुझे लग रहा है चिप लगे होंगे पैरों में, उससे एक्यूरेट आपकी टाइमिंग वगैरह आ जाएगी। वो लास्ट में बता दिया जाएगा जब कंफर्म फाइनल हो जाएगा किसका फिजिकल और कैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस पे हो रहा है आपका फिजिकल। देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। दोस्तों देखो, आपका फिजिकल अभी आपका रिजल्ट आया, उसके बाद जल्दी ही स्कोर कार्ड आ गया। कहने का मतलब इतनी जल्दी स्कोर कार्ड आया, हमारा कितने आया था 8 अप्रैल को हमारा फिजिकल मेरिट लगी थी, 8 मई को हमारा स्कोर कार्ड आया था, एक महीने बाद। आपका तो इतनी जल्दी स्कोर कार्ड आ गया, आपने स्कोर कार्ड वगैरह अपना सब कुछ चेक कर लिया है, तो जो आपके फिजिकल की उम्मीद है, जितना अपना एक्सपीरियंस है, बाकी जितने सोर्सेज होते हैं उसी सोर्सेज पे बेस पे मैं आपको बताता हूँ। पहले भी मैंने रिजल्ट के बारे में बताया था अभी मैं, कि जून लास्ट में आपका रिजल्ट आया, लगभग कितना डिले हुआ, 1 वीक ही डिले हुआ। ये नहीं कई बार मैंने जून लास्ट बोला था, लोग बोले थे जून फर्स्ट वीक में आया। भाई दोस्तों, जितना हमें पता रहता ना कब तक आने की संभावना है, क्योंकि हम SSC वाले तो हम भी नहीं है, बट एक्सपीरियंस जो है उसके बेस पे हम बताते रहते हैं, जहाँ से सोर्सेज वगैरह लगभग 5-6 दिन आगे पीछे चलता है। तो आप इसे मानो, आपका जो फिजिकल होगा, आपका फिजिकल अगस्त फर्स्ट वीक में, मेरे अकॉर्डिंग अगस्त फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे आपके फिजिकल। आप ये मान के चलो, जिसकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है प्लीज़ अपना रनिंग वगैरह करेगा, किसी का लग रहा होगा 5 किलोमीटर 28-29 मिनट में मेरे से नहीं हो पाएगा, प्लीज़ आप दौड़ना चालू करेगा। अगर आप दौड़ोगे नहीं ना, कई लोग ऐसे हैं जैसे कहते हैं कि मैं दौड़ता हूँ फिर रुक जाता हूँ, तो आप अपने, आपने कभी रनिंग वगैरह अपनी की नहीं होगी, तो आप इतना फास्टली दौड़ते होगे तो क्या फ़ायदा। दोस्तों अगर आप मान के चलो आपने कभी प्रिपरेशन नहीं किया और 5 किलोमीटर ऐसे भाग रहे होंगे जो अच्छा खासा रनिंग करता होगा 22-30 में, उसके साथ भाग रहे होगे, तो फिर आपको रुकना ही है 3 किलोमीटर में। अगर 3 किलोमीटर में रुक जाओगे अगले दिन भी जीरो हो जाओगे, फिर कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना, थोड़ा सा लंबा रनिंग करना है, 7-8 किलोमीटर रनिंग अगर आप कर लोगे तो आपका स्टेमिना थोड़ा सा, थकान तो लगेगी, धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, करते जाना है। जिसका रनिंग नहीं हो रहा अब प्लीज़ सुबह शाम करने चालू कर दीजिएगा, सुबह करोगे और बेहतर रहता है, सुबह शाम करोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह आपको करना है जितनी भी होती है, बाकी आप YouTube पे सारा कुछ देख सकते हो। देखो इतना बताना संभव नहीं होता यार, यहाँ से कई चीज़ों की पाबंदी होती है दोस्तों, अभी वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, जैसे तैसे बना रहे हैं आप समझ सकते हो, जब यहाँ आओगे थोड़ा सा आपको समझ आने लग जाएगा, बाकी NCC कैंडिडेट थोड़ा बहुत समझते होंगे हाँ क्या होता है करके, तो आप समझ लीजिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिएगा, लेग की एक्सरसाइज करनी है आपको, हाथों की एक्सरसाइज करनी है, सारे एक्सरसाइज करना है, हाथ मजबूत करने, पैर, क्योंकि दौड़ में रनिंग का पैर का ही काम नहीं है, आपका हाथों का भी काम होता है। तो आप आराम से 24 मिनट में, बाकी 26 मिनट अभी आएगा ना लास्ट तक, तो आप निराश मत, आप फिजिकल के दिन पक्का फाड़ के आने वाले हो। जो मैं तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आपको दौड़ना है वो मैं उस दिन बताऊंगा कि आपको कैसे वहाँ पे रनिंग करना है। फिजिकल के दिन जब मैं एक पैर से कर सकता था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, आपको पता होगा या पुराने लोगों को पता होगा जो होगी, कैसे मैं दौड़ा था, एक पैर लचक लचक के दौड़ा था, फिर भी 20-20 के आसपास मैं टाइमिंग पे वहाँ पे आ गया था। मुझे भरोसा नहीं रहा तो मुझे ये दौड़ पास कर लूँ, कोई भरोसा, 2 स्प्रे मैंने अपने पैर के ऊपर डाले थे, अभी भी मतलब कभी कभी पैर सूज ही जाता है, तो इस कर रहे हैं। अगर आप अपने मन से डर हटा दोगे तो हो जाएगा, अब बाकी आप अपने तैयारी पक्का रखेगा, जो भी अगर किसी को 22 मिनट में आ रहे हैं ना, वो भी एक टाइम तो थोड़ा सा अपना दौड़ने चले जाएगा, क्योंकि डर आपका दूर होते रहेगा और आप एक दिन सफल हो जाओगे, आपकी जो बेरोजगारी है ना वो बेरोजगारी हट जाएगी। ऐसा होता ना, आपका जो फैमिली है ना वो फैमिली तो चल सकता है, तो यही सोच के बाकी देखो सब कुछ अच्छा होगा अगर आप फिजिकल करोगे। अगर फिजिकल में लटके रहोगे फिर आपका दोस्त तो पहुंच जाएगा मेडिकल की तरफ, और फिर आप सोचोगे यार अगले साल कब वैकेंसी आई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले नहीं वो सोचता आदमी, तब सोचता है जब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद जब आप घर के लौटोगे तो आप बस में यही सोचोगे, और आपका दोस्त इतना खुशी के साथ जा रहा होगा ना, मेरा तो फिजिकल हो गया दोस्त, और मेरा तो मेडिकल ही बचा है, मैं मेडिकल के बारे में थोड़ा सा अपना किसी से एक्सपीरियंस लेता हूँ और फिर मेरा मेडिकल भी पास हो जाएगा, एक दिन फाइनल हो जाएगा, फाइनल के दिन आप कितना निराश होगे वो सोच सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स है, वो मेरा दोस्त भी है 127 मार्क्स थे यार, रेस में फेल हो गया था बताओ दोस्तों, जबकि उसकी अच्छी रनिंग थी, 22 मिनट के अंदर आता था, उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या तरीका उसने अपना सही से नहीं अपनाया, वो उसी को पता है दोस्त।
तो आप भी अपना सतर्क रहेगा, दौड़ते रहेगा, ये मत सोचेगा मैं मिल्खा सिंह हूँ, तो अपने को सेफ रखेगा, पैर वगैरह हाथ पैर आपको बचाने हैं, कभी कभी ये हो जाता है। बाकी अपने ये अंगूठा है ना, इसको प्लीज़ बाएँ हाथ के अंगूठे को बचा लेना। मैं अभी कह रहा हूँ फिजिकल और मेडिकल में ये उंगली के ना खाला हाल मत निकलने देना दोस्त। जो आपने फिंगरप्रिंट लगाया होगा एग्जाम के दिन, वही आपके फिजिकल में वही मेडिकल, अगर ये नहीं मैच हुआ ना आपका, इतना बड़ा फॉर्म भरवा दिया फिर विथ हेल्ड में हो जाओ, विथ हेल्ड वाले अभी मेरा दोस्त घर ही बैठा है दोस्त, हम यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने वाले, वो घर ही बैठा, कितना निराश हुआ, सिलेक्शन होने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल पाई, पता नहीं विथ हेल्ड वाले कब उसका क्लियर होगा। तो आपको सतर्क रहना है, जो छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ होती ना ये आपको रखनी है, बाद में बड़ा पछतावा देते हैं। बाकी आपको बता दिया, आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ फिर वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।